हमारे घर वाले, हमारी माता जी अभी तक ये नहीं जानते हैं कि हम बागेश्वर धाम से जुड़े हुए हैं। हम सिर्फ आते हैं और परिक्रमा लगा के चले जाते हैं। तो आपको कैसे साबित होगी हमारे हनुमान जी गलत साबित? मैं ये कह रहा हूँ पाप लगेगा जो आप इस तरीके की दावे करें। नहीं, बिल्कुल सही बात है ना? बिल्कुल सही बात। आप चलिए हमारे घर, हम बचपन की बात तुमको याद दिलाएंगे। चल के अभी चलो, अभी चलो, अभी तुरंत ऑन द स्पॉट हम चलो, अभी चलो, तुमको याद दिलाए। हुआ था 1947 में है। तो वो कौन से राष्ट्र बने था पाकिस्तान ले जाके? कौन सा राष्ट्र बने था? इस्लामिक राष्ट्र बने, मुस्लिम राष्ट्र बने था। तो ये भारत कौन सा? उनके बाप का राष्ट्र है, मुसलमानों के बाप का राष्ट्र है भारत। ये भारत हिंदुओं का है। चाहे जितनी मीडिया पीछे लगे, रुक जाइए, चाहे जितनी मीडिया पीछे लग जाए, चाहे जितनी मीडिया पीछे लग जाए, बागेश्वर धाम का बाल विवाह का नहीं कर पाओगे। हम लोग खुद जानते हैं। जय श्री राम। मेरे एक पैर, ये पूरा लुंज था, बचपन में एकदम पैदल नहीं चल पाते थे, ये पैर एकदम ठीक है। हाँ तो ठीक है, अभी ठीक है ना? कितने दिन में ठीक? बागेश्वर बालाजी से जुड़े हैं, 6 महीने पहले जुड़े थे, एक अर्जी लगा चुके हैं 3 महीने पहले आके, एक अर्जी फिर लगाई है अभी, बरोबर परिक्रमा मार रहे हैं यहाँ पर आके। और जब से आए हैं तब से हमको बहुत आराम है, इतना आराम है कि हम कुछ भी कर सकते हैं अपने राम के लिए, कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा एक बार बताओ, ये कब से दिक्कत थी? हमारे घर वाले, हमारी माता जी अभी तक ये नहीं जानते हैं कि हम बागेश्वर धाम से जुड़े हुए हैं। हम सिर्फ आते हैं और परिक्रमा लगा के चले जाते हैं। पहली चक्कर में आने से मुझको इतनी आराम मिली, इतनी सुकून मिला, इतनी शांति मिली है, कभी जिंदगी में नहीं मिली बिल्कुल। और जो आदमी नहीं आ रहा, जो नहीं जानना है, वो कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आ पाएगा जिंदगी में, कभी नहीं आ पाएगा। वो अगर आएगा, जब मानेगा अपने राम जी को, मानेगा अपने हनुमान जी को, मानेगा अपने राम जी का नाम जपेगा, तभी वो जान पाएगा। ये मत सोचिए कि आप घर में बैठे बैठे सोच रहे हैं कि ये कैसा है वो कैसा है, आप आएंगे तभी पता चलेगा, यहाँ बिना आए नहीं मालूम होगा। हम लोग आए हैं, हम बचपन से ये एक पैर पूरा चल ही नहीं पाते थे, 6-6 महीना, 7-7 महीना, 8-8 महीना, मेरी माँ गवाही देगी। सेवादार तो नहीं हो गए यहीं के? सेवादार अरे यहाँ के कैसे सेवादार हैं भैया, हमको कोई जानता है यहाँ पे? पूछ लो किसी पूरे गांव में, पूछ लो, हमको कोई नहीं जानता। हम यूपी से आए हैं, यूपी में सीतापुर रोड के बगल में है इटौंजा गांव, वहाँ पर रहते हैं। जो चीज़ें आप बता रहे हैं, अगर ये गलत साबित हुई ना, तो आपको कैसे साबित होगी? हमारे हनुमान जी गलत साबित? मैं ये हमारे हनुमान जी गलत साबित? मैं ये कह रहा हूँ पाप लगेगा जो आप इस तरीके के दावे करें। नहीं, बिल्कुल सही बात है ना? बिल्कुल सही बात। आप चलिए हमारे घर, हम बचपन की बात तुमको याद दिलाएंगे। चल के अभी चलो, अभी चलो, अभी तुरंत ऑन द स्पॉट हम चलो, अभी चलो, तुमको याद दिलाए। चल के मेरी माँ से आज 6 महीने पहले से बात नहीं हुई है, और मैं 6 महीने पहले से बागेश्वर धाम से जुड़ा हुआ। मेरे पिताजी से लफड़ा हो गया तो मैं घर छोड़ के भाग चुका हूँ, और घर पर आज भी बात नहीं हुई है। घर से फ़ोन भी है, डिटेल भी है, मगर नंबर नहीं मिला है अभी तक के। घर से क्यों? पिताजी से झगड़ा हो गया था, मैं भाग। गुरुजी तो कहते हैं स्वर्ग जो हमारे भगवान है। हाँ गुरुजी कहते हैं, गुरुजी के मार्गदर्शन पर चल रहे, इसीलिए सही है। रोज हनुमान चालीसा का पाठ। जैसे आपका ये पैर था, तो उसके बाद आपने डॉक्टर्स वगैरह को? डॉक्टर्स कुछ नहीं, अपने बजरंगबली काफ़ी हैं। पहले दिखाया होगा ना? कहीं नहीं दिखाया, बहुत इलाज कराया, ना जाने कितनी सुई लग गई, सब बेकार गया। तो यहाँ पे जैसे आए तो क्या कैसे सही हुआ? यहाँ पर आए, अपने हनुमान जी का रोज सुबह पाठ पढ़ते हैं हनुमान चालीसा का। कितने हनुमान चालीसा? 40 हनुमान चालीसा है, तो 40 ही हनुमान चालीसा का तो पाठ होगा भैया। अच्छा 40 करते हो? 40 चौपाई है हनुमान चालीसा में, तो 40 करेंगे और कितनी करेंगे। ये आपको फ़ायदा हुआ है? और क्या, बिल्कुल फ़ायदा हुआ है। हनुमान चालीसा से सब कुछ फ़ायदा होता है, आदमी करके तो देखे। हनुमान चालीसा से तुम हवन करो, एक एक चौपाई का हवन करो। अगर व्यक्ति अगर आदमी इंसान से भगवान बनने की तैयारी ना कर ले तो कहना तुम, हकीकत बात। आप बन गए हो? अरे हम नहीं बने, मगर हम अपने राम जी को भज रहे हैं। 6 महीने में तुम सोच रहे हो कि घर ही में बैठे बैठे तुम्हारे पास भगवान भी चले आऊँ मैं। अच्छा बताओ, ये एक अर्जी तो आपकी ये ठीक हो गई, अब दूसरी अर्जी क्या है? दूसरी अर्जी बालाजी फिर सुन ली ने, फिर यही लिए आए। आते दो गुरु का चल। अरे कुछ नहीं, बताएंगे क्या, जब हो जाएगा तब बताएंगे, हमारे माता पिता भी जान जाएंगे। 6 महीने बाद जाने की गारंटी है हमारी। एक 6 महीने बीत चुके हैं हमारे बागेश्वर धाम में, 6 महीने थे, 2 पेशी मेरी लग चुकी हैं, और 2 पेशी और हम लगाएंगे बागेश्वर धाम आके। अच्छा हिंदू राष्ट्र होना चाहिए नहीं होना? बिल्कुल होना चाहिए। ये बताओ, जब 1947 में देश का विभाजन हुआ था, भागा गया था दो भाग में,
पाकिस्तान हुआ था, हुआ था 1947 में है, तो वो कौन सा राष्ट्र बना था पाकिस्तान ले जाके, कौन सा राष्ट्र बना था, इस्लामिक राष्ट्र बना, मुस्लिम राष्ट्र, मुस्लिम राष्ट्र बना था, तो ये भारत कौन सा उनके बाप का राष्ट्र है, मुसलमानों के बाप का राष्ट्र है भारत, ये भारत हिंदुओं का है, हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, क्यों नहीं होगा, एक ये बताओ एक एक आदमी, एक एक आदमी हिंदू है ना, भारत में हिंदू रहेगा, रहे मुस्लिम भी रहे, हम लोगों को हम लोग शांति रखते हैं। क्या तब क्या क्या चेंजेस आ जाएंगे जब हिंदू राष्ट्र होगा तो क्या चेंजेस आ जाएंगे? चेंजेस बहुत आ जाएंगे, जैसे स्थापित हो जाएगी, जो नाबालिग बच्चे आजकल गांव में बर्बाद हो रहे हैं नशे के चक्कर में, लड़कीबाजी के चक्कर में, वो बर्बाद नहीं होंगे, शिक्षा अच्छी मिलेगी, गुरु अभी भी मिल, ये तो प्रशासन का खेल है ना, प्रशासन का काम है ये तो राष्ट्र, तो प्रशासन भी तो हमारे राम का है, तो प्रशासन भी तो हमारे राम का है, ये बताओ आपने वो क्या नाम है यार, ने संविधान के पहले पेज पर किसकी तस्वीर है आप बताइए, रुको एक मिनट, संविधान को आड़े कर देते हैं ना, तो संविधान के पहले पेज पर किसकी तस्वीर है आप बताइए, फंडामेंटल राइट में राम जी की तस्वीर है, लेकिन राम जी की बस नहीं है, बुद्ध की भी है, काफी लोगों, भैया मेरे राम जी किसका रूप है बताइए आप, किसका रूप है भगवान, भगवान का अवतार है तो इन्हें बताओ, राम जी भगवान विष्णु का अवतार है, भगवान विष्णु, मैं आपसे एक बात बताऊं, जब जब होए धर्म की हानि, ओ बाढ़ही असुर अधम अभिमानी, तब तब धरी प्रभु मनोज शरीरा, ओ हरही विषम भव सज्जन पीरा, भगवान विष्णु के अवतार राम हैं और हनुमान जी के आराध्य राम हैं, और बागेश्वर धाम एक ऐसी शक्तिपीठ, एक सिद्ध पीठ, एक ऐसा धाम है कि बिगड़े हुए काम बन जाते हैं, श्री राम चाहे जितनी मीडिया पीछे लगे, रुक जाइए, चाहे जितनी मीडिया पीछे लग जाए, चाहे जितनी मीडिया पीछे लग जाए, बागेश्वर धाम का बाल विवाह का नहीं कर पाओगे, हम लोग खुद जानते हैं, जय श्री राम। सुनो बात, ये चीज किसी से बात नहीं की, किसी से बोला नहीं, क्योंकि हमको खुद नहीं विश्वास था, हमको खुद नहीं, हम खुद ही नए थे भैया, हम कैसे विश्वास कर ले, किराया लगा के 2-4-10 हज़ार, अभी भी 5,000-5,500 जेब में पड़े हैं, बैंक में भी जमा है, प्रभु की कृपा बताएं, जैसे महाराज जी, महाराज सुनिए तो, अभी जैसे महाराज जी एक, जैसे अभी महाराज जी बेंगलुरु गए हैं, बेंगलोर में एक प्रोफेसर ने, दो प्रोफेसर ने चैलेंज दिया है, उन्होंने बोला है कि 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपए हम देंगे हमारे सामने, 10 लाख, ये बताओ 10 लाख आदमी क्यों देता है, 10 लाख का एक लिए दोगे, वो कह रहे हैं कि हमारे एक्सेप्ट, हनुमान जी हमारे बिकाऊ है का, तुम आओ धाम पे, तुम आओ हमारे हनुमान जी तुम्हारे पास आएंगे का, यहाँ नहीं आ पाओगे, और उंगली वहाँ से उठा लोगे, तुम पाकिस्तान में बैठ के उंगली उठा लोगे, कुछ भी कह लोगे, बेंगलुरु इंडिया में ही है सर, अरे तो इंडिया में है ना, तो इंडिया में बुंदेलखंड में आने में टाइम लगेगा, छतरपुर में आने में टाइम लगेगा, ग्रामगढ़ा में आने में टाइम लगेगा, बुलाओ आपके कहने का, यहाँ पे आओ, हमारा कहने मतलब हमारे गुरु जी यहाँ पर हों तब आप आइए।